स्वागत है आपका एक बार फिर से बिहारी गुरुजी चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइब्रेरियन का जो बहाली है वो बिहार के स्कूलों में, ठीक है। यहाँ हम स्कूल्स का सिर्फ बात कर रहे हैं, कॉलेज का नहीं। बिहार के स्कूलों में जो है लाइब्रेरियन का बहाली कैसे होता है, क्या है नियुक्ति प्रक्रिया इसका, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, ठीक है, इन सब चीज़ों को जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए कि बिहार के स्कूलों में, ठीक है, बिहार में जितने भी स्कूल्स हैं उनमें जो नियुक्ति होता है, चाहे टीचर्स का हो या लाइब्रेरियन का हो, ठीक है, इन सब के लिए जो है नियोजन इकाई है, ठीक है। वो किस तरह से नियोजन इकाई तक बात कैसे आया है, ठीक है, कैसे ये नियोजन इकाई बना है, उसको पहले एक नज़र आप देख लीजिए। बिहार सरकार सबसे ऊपर, ठीक है, बिहार सरकार के अंतर्गत जो है शिक्षा विभाग है, जिसके अंतर्गत ये सारा स्कूल्स है, ठीक है। शिक्षा विभाग जो है क्या किया, ये जो नियुक्ति का या नियोजन कह लीजिए आप, ठीक है, नियोजन से संबंधित जो भी वर्क है, ठीक है, वो पंचायती राज संस्था के थ्रू जो है करवाती है वो, ठीक। तो पंचायती राज संस्था जो है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था है, पता होगा आप लोगों को, ग्राम पंचायत सबसे नीचे होता है, उसके बाद पंचायत समिति और जिला परिषद, ये हो गया आपका प्रखंड लेवल, ये हो गया पंचायत लेवल, ठीक है, पंचायत प्रखंड, प्रखंड में पंचायत समिति, उसके बाद जिला लेवल पर जो है आपका जिला परिषद, ठीक है, ये तो आप लोग समझ गए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पुस्तकालयाध्यक्ष का, ठीक है, लाइब्रेरियन का। तो लाइब्रेरियन का जो बहाली होता है वो आपको माध्यमिक विद्यालयों में होता है, यानी कि नाइन्थ से लेकर के ट्वेल्थ तक का जहाँ पढ़ाया होता है, ठीक है, माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक कहिए, ठीक है, इलेवेंथ ट्वेल्थ आपका हो गया उच्चतर माध्यमिक, ठीक। तो जिला परिषद के अंतर्गत जो है आपका ये आता है माध्यमिक विद्यालय, ठीक है, नाइन्थ से लेकर के ट्वेल्थ तक, ठीक। तो यानी कि नाइन्थ से लेकर ट्वेल्थ तक का जो विद्यालय है उसमें किसी भी प्रकार का नियोजन होगा वो किसके थ्रू होगा, आपको जिला परिषद के थ्रू होगा, और जिला परिषद हो गया इसका नियोजन इकाई, ठीक है। तो जिला परिषद पुस्तकालय अध्यक्ष, ठीक है, जिला परिषद लाइब्रेरियन एक तरह से आप कह सकते हैं नाम हुआ इसका, लाइब्रेरियन का, जो जिला परिषद जो इसका नियोजन इकाई है उसके तहत इसका नियोजन होता है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले योग्यता का देखें, तो योग्यता में आपको सबसे पहला चीज़ कि स्नातक का डिग्री होना चाहिए किसी भी विषय में, ठीक है, किसी भी विषय से आपका स्नातक हो, लेकिन यहाँ पर जो है 45% मार्क्स जो है आपका होना चाहिए मिनिमम, ठीक है, स्नातक में। लेकिन ये जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये 40% है, 5% का छूट है यहाँ पर। दूसरा चीज़ जो है आपको पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक का डिग्री होना चाहिए, यानी कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, बीलिव आपके पास होना चाहिए। ये जो डिग्री होता है वो एक साल का आपका होता है, वन ईयर कोर्स है ये। उसके बाद जो तीसरा चीज़ है, इन दोनों के अलावा तीसरा जो चीज़ है वो आपको चाहिए, वो क्या है, बिहार सरकार द्वारा आयोजित पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए जो पात्रता परीक्षा होता है उसमें आपको उत्तीर्ण हो, जैसे कि एस्टेट होता है, सेकेंडरी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसमें आपको 9th-10th के लिए, उसके बाद 11th-12th के लिए, ठीक है, इस तरह से एस्टेट कंडक्ट होता है अलग अलग सब्जेक्ट का, उसी तरह से पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए जो है अलग से एक पात्रता परीक्षा, ठीक है, इसके लिए लिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा, वो आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इतना चीज़ होने के बाद जो है आप अप्लाई करेंगे किसी संबंधित जो है नियोजन इकाई में, किसी एक नियोजन इकाई में, ठीक है, या एक से ज़्यादा नियोजन इकाई में आप जो है अप्लाई करेंगे। अब क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, जब आप अप्लाई करेंगे इन सब चीज़ों के साथ, ठीक है, तो मेघा अंक के आधार पर जो है आपको एग्ज़ाम बस आपको एक ही देना है, वो जो पात्रता परीक्षा होगा, ठीक है, लाइब्रेरियन के लिए वो आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद जो मेघा अंक बनेगा वहाँ पर आपका जो TET का मार्क्स होगा उसका जो है कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। आपका मेघा अंक जो होगा वो स्नातक का जो मार्क्स होगा आपका, यानी कि BA BSc जो भी है आपका, उसका मार्क्स प्लस बीलिव का जो आपका मार्क्स होगा वो इन दोनों का जोड़ और भागा दो, ठीक है। उदाहरण के लिए आप देखिए कि मान लीजिए BA में आपका 70% मार्क्स है और बीलिव में 64% है, तो 70+64 भागा दो आप कर दीजिए, तो आपका मेघा अंक जो हो गया वो 67% हो गया। तो इस तरह से जो है नियोजन, मान लीजिए कि किसी भी एक आप पटना जिला से आप अप्लाई किए, नियोजन इकाई जिला परिषद पटना हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर जो है नियोजन इकाई लेवल पर जो है आपका मेरिट बनेगा, जितना उस नियोजन इकाई में जितना वैकेंसी होगा, रिक्ति होगा, उस हिसाब से जो है ऊपर से नीचे की ओर जो है आपका मेरिट वाइज जो है मिलते चला जाएगा पद।
तो यही था चयन प्रक्रिया। इससे आप लोगों का जो है काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। काफ़ी आजकल जो है काफ़ी पेपर में जो है डेली आ रहा है लगभग जो है कि लाइब्रेरियन का नियुक्ति स्कूल्स में ये वो 10 तरह का चीज़। बहुत लोग कन्फ्यूज़ हैं कि डिग्री क्या चाहिए, इसमें कैसे नियोजन होगा, कैसे होगा इसमें सिलेक्शन, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो आपका ये सारा जितना भी डाउट है वो सब क्लियर हो गया होगा। इससे संबंधित और भी कुछ आप जानना चाहते हैं लाइब्रेरियन से संबंधित, ठीक है, आप नीचे कमेंट करके बताइए, उस पर वीडियो हम लाएंगे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।